स्वामी जी की ये प्रतिमा बिल्कुल जीवंत प्रतीत होती है। एक बारगी आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपके सामने जो भव्य इमारत दिखाई दे रही है, ये इस्कान मंदिर है जो स्थित है कानपुर में, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार। आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सबसे पहले अपने जूते और चप्पल इस झोले में रखकर इनको देना होता है। ये जमा कर लेंगे इसे, और उसके पश्चात आपको एक टोकन दे देते हैं। टोकन लेने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ मिलेगा आपको प्रसाद। सबका रेट एक ही है क्या? हाँ, एक ही है। लड्डू दे। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं मंदिर। आपके सामने ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये रहा भव्य इस्कान मंदिर। यहाँ साफ़ सफाई की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। पूरा मंदिर परिसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो चलो अब हम भी चलते हैं। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते, शुरुआत में ही आपको कॉर्नर में एक बड़ी सी शॉप मिलेगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा की अनेकों अनेक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आप इन्हें खरीद भी सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की सजावट की पालने, झूलने, टोपी, पगड़ी, बांसुरी, बहुत सी मनमोहक मूर्तियाँ, छवियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और आप इनको अपने घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी तस्वीरें भी हैं। वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको नज़र आता है सफ़ेद संगमरमर से जगमगाता मंदिर का ये विशाल भव्य प्रांगण, जहाँ से मंदिर को पूरी तरह से देखा जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि हल्की हल्की ध्वनियों में भगवान श्री कृष्ण राधा के भजन कीर्तनों की ध्वनि आपको सुनाई देती रहेगी। हर समय मंदिर में एक सकारात्मक सी ऊर्जा आपको महसूस होती रहेगी। यहीं पर एक पुनः एक स्टॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सी साहित्यिक ऐतिहासिक बुकें, साथ ही माला और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। अब हम चलते हैं मंदिर में आगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता की बुक्स हैं, इन बुकों को आप दान भी कर सकते हैं। यहाँ एक टारगेट रखा जाता है, अगर आप इतनी बुक्स लोगों तक पहुँचाते हैं, भगवत गीता दान करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ मंदिर में एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ये उसी के संदर्भ में बातें कर रही हैं। और गीता जयंती थी, मोचरा एकादशी थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर घर में ये कैसे है? ये 210 की है। अच्छा अच्छा, ये कितने का? ये 150 की है। मंदिर के अंदर का नज़ारा बिल्कुल मनमोहने वाला है। यहाँ की नक्काशी, यहाँ की साज सजावट, साफ सफाई प्रभावित करती है। और जैसे ही आगे कैमरा बढ़ता है, तो अचानक एक जगह ठिठक जाते हैं। ऐसा लग रहा है कोई संत स्वामी हमारे सामने साक्षात बैठे हुए हैं। पुनः उनको गौर से देखते हैं, तो ये स्वामी जी की मूर्ति है। आप भी देखिए, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये मूर्ति है। जीवंत व्यक्ति साक्षात आपके सामने नज़र आते हैं, कि जैसे मौन साधना में बैठे हो। तो ये रहा मंदिर का नज़ारा। तो दोस्तों, अब लेते हैं यहाँ विराम, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।